बच्चों को बताया जाता है कि बहरहाल शिक्षा प्राप्त करने का कुछ न कुछ जो उद्देश्य होता है, इसे पढ़ाई के माध्यम से अपने लिए करो कि आगे चल के तुमको दो पैसा हो सके और अपना भरण भूषण कर सको, किसी जॉब के माध्यम से, किसी व्यवसाय के माध्यम से, ताकि तुमको जीवन में किसी दूसरे की मोहताजी नहीं रहे। देखिए, मैं साइंस पढ़ाता हूँ और साइंस जब भी पढ़ाता हूँ तो आगे फ्यूचर को लेकर के पढ़ाता हूँ, और उसी समय मैं बता देता हूँ, जिस समय मेरी क्लास होती है उस समय आने वाले समय में मैं 9th और 10th का क्लास लेता हूँ, तो उसको 11th 12th तक के बारे में भी बता देता हूँ, और साथ ही साथ जो भी कंपटीशन में जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आने वाले उसके बारे में मैं बताता रहता हूँ, और उस और रोजगार के बारे में मैं फिर उस पर फोकस करता हूँ। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि बच्चे कुछ ऐसा सीखें, जैसे कंप्यूटर कोर्स है, विद्यालयों में पहले से भी व्यवस्था की गई है, अभी भी है, लेकिन जितनी मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, जिस स्थिति में उत्पन्न होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, उस स्थिति में नहीं है। लेकिन बच्चे हमारे एजुकेशन के साथ साथ जब टेक्निकल कोर्स भी और इस तरह की शिक्षा भी प्राप्त कर लेंगे कंप्यूटर के माध्यम से, तो उनको आगे चल के जीवन में दो पैसा उपार्जन के लिए एक व्यवस्था और उसका रास्ता मिलेगा। बच्चे के माँ बाप को आज के डेट में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो शिक्षित होंगे तभी अपने बच्चे को सही दिशा और निर्देश दे सकते हैं, और उसके बारे में बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं कि वो आगे क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो रास्ता बता सकते हैं। और हम लोग को भी चाहिए है ना, गार्जियन को प्रेरित करें कि वो किस सब्जेक्ट में या उसकी रुझान किस तरफ है, उस तरफ बच्चे को हम मोड़ दें और सही दिशा दे दें, ताकि वो अपने मंजिल तक पहुँच जाए।